साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही खास रेमेडी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जिस जनरेशन में हैं वहां पर आजकल चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। जहां पर चमत्कार देखा जाता है उसको नमस्कार कर दिया जाता है। कोई कहता है इस पे विश्वास करो, कोई कहता है उस पे विश्वास करो, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है कि खुद पर विश्वास करो। जब तक आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। अगर आपको खुद पर विश्वास है कि यस आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूं, तब तक मतलब कि अपने अंदर एक इतनी पॉजिटिविटी लाइए कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूं, मुझे इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। जब पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आप कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडीज करते हैं तो 100% उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन मन में जब ये डाउट क्रिएट कर लेते हैं कि क्या पता ये होता है कि नहीं होता है, काफी लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नो के बराबर होगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ में किसी भी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है। आज मैं आपको दूबा के द्वारा किसी का भी माइंड को चेंज करने की एक बहुत ही खास रेमेडी आपको बता रहा हूं। अब बात आती है दूबा की, तो दूबा कैसे वर्क करेगी? दूर्वा घास जो होती है, आप हमारे शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो आप एक चीज देखिएगा, रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, अशोक वाटिका में उन्हें ठहराया था, और जबरदस्ती जब उनको महल में ले जाने लगा तो माता सीता ने सिर्फ एक दूर्वा घास उसके सामने रख दी। ठीक है, एक दूर्वा घास का तिनका रावण के सामने रखा और ये कहा कि अगर इसको अगर तुम पार करते हो तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। तो यहां पर ताकत किसकी थी, दूर्वा घास की या फिर माता सीता के विश्वास की? यहां पर जो पॉजिटिविटी थी, जो पावर थी, वो माता सीता के विश्वास की थी कि एक दूर्वा घास को रावण पार नहीं कर पाया। तो बस इतनी आपको अंदर, अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लानी है, इतनी विश्वास लाना है कि मैं ये चीज कर रहा हूं, मुझे इसका 100% रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो हर चीज में जो जरूरी होती है वो आपका अंदर का एक कॉन्फिडेंस होता है, एक विश्वास होता है, वही चीजें वर्क करती है। तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं आपको दूर्वा घास से करना है। ठीक है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर अभी आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी हमसे प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7/11/21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक विशेष बात दोस्तों कि यदि आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं और उस व्यक्ति के ऊपर पहले से यदि ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है या उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया है तो उस पर कोई भी रेमेडी तब तक वर्क नहीं करती है जब तक इसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे यदि ये विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। ठीक है, और हर वीडियो की तरह आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड केस हो रहे हैं। ठीक है, जिनको तांत्रिक क्रियाओं की ABCD नहीं पता होती है, ऐसे लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं कि मतलब कि एक दिन में, एक घंटे में, 3 दिन में किसी का भी वशीकरण करके दे रहे हैं। ऐसा आप लोगों को यदि कोई बोल रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और अपनी बुद्धि विवेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई बोले 1 घंटे में, 1 दिन में, 3 दिन में किसी का वशीकरण करके देंगे तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, है ना। क्योंकि वशीकरण की विधि जो होती है 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज और लास्ट 41 डेज में ही रिजल्ट देती है। किसी को माइंड को चेंज करना इतना आसान काम नहीं होता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। ठीक है, और आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ आप किसी भी बुधवार, मंगलवार, गुरुवार
और शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं। समय का इसमें कोई बंधन नहीं है, बस आप जिस दिन प्रयोग करेंगे, एक दिन का ये प्रयोग है, और जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो इन चीजों को अवॉइड करेंगे, कोई भी स्टोन वगैरह ना पहना हो, ठीक है। महिलाएं शुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगी। इसमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों गणेश भगवान की मूर्ति की या फिर आपको फोटो की, ठीक है, अपने पूजा स्थान में गणेश भगवान की या फिर मूर्ति या एक फोटो स्थापित कर लें, और 27, 51 या 108 दूरबा आपको लेनी है। जितनी ज्यादा दूरबा लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई भी जीवित वनस्पति जब लेते हैं तो उनसे आज्ञा जरूर लें, ठीक है। तो दूरबा जो होती है तो दूरबा जहां पर दूरबा घास होती है वहां पर जाएं और थोड़ा सा हल्दी वाला जल लेकर के जाएं और थोड़े से चावल चढ़ा करके दूरबा जो है उनको अपनी परेशानी बताएं कि आप अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए आप उनको लेने आए हैं, तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में उनको आमंत्रण दें। और 108 या फिर 51 या 27 दूरबा आपको ले लेनी है, ठीक है। दूरबा ला करके कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से पहले इनको स्वच्छ कर लेना है। एक सफेद कलर का आपको रुमाल लेना है। रुमाल में आपको क्या करेंगे, जब आप दूध से साफ कर लेंगे उसके बाद में शुद्ध जल से इसको साफ कर लें और उसके बाद में उसको किसी भी पेपर वगैरह से पोंछ लें, पानी निकल जाए, फिर रुमाल को बिछा करके, ठीक है, अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं, एक घी का दिया जलाएं, उसके बाद में रुमाल को सीधा बिछा दें पटरे वगैरह में और दूरबा को सीधी उसमें स्थापित कर दें, सीधी लाइन से जमा दें, ठीक है, और रुमाल को फोल्ड कर दें, मतलब दूरबा मोड़े ना उसको रोल कर दें। रोल करने के बाद में दोनों दो छोर जो होंगे उसको रुमाल को आपको पकड़ना है और माथे से आपको लगा लेना है, ठीक है। और मन में ये आपको सोचना है, अपने इंटेंशन क्लियर रखने हैं कि आप अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए, उस व्यक्ति को अपने वशीकरण करने के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। ये मन में रखते हुए ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः 27 times यानी कि 27 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। 27 बार ही क्यों, क्योंकि देखिए 2 का नंबर जो होता है चंद्र का होता है, चंद्र जो होते हैं मन के कारक होते हैं, किसी के भी मन को चेंज करने के लिए। 7 का नंबर जो है ये होता है मिरेकल करता है, चमत्कार करता है, और 27 नक्षत्र होते हैं, तो ये क्या करेंगे, अगले व्यक्ति को दिमाग को चेंज करने के लिए 27 नक्षत्र, 2 चंद्र और 7 मिरेकल यानी कि चमत्कार। तो ये 27 बार आपने मंत्र पढ़ लिया, उसके बाद में रुमाल को सामने सीधा रख देंगे और गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अमुक व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाए। उनसे प्रार्थना करके अब जो आपने ये रुमाल लिया हुआ है गणेश भगवान की मूर्ति के पीछे या नीचे आपको इसको दबा देना है 7 days, 11 days या 21 days तक। आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है क्योंकि ये रिजल्ट दिखाएगा 7 days में। अगर 7 days में रिजल्ट मिल जाता है या 11 days में रिजल्ट मिल जाता है या 21 days में रिजल्ट मिल जाता है, तो रिजल्ट मिलने के बाद में आपको क्या करना है, इस रुमाल को उठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जिनके आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो वो किसी भी पीपल के वृक्ष में या फिर बरगद के वृक्ष में उसके नीचे आपको उसको दबा करके आ जाना है। वैसे दोस्तों ये आपको 7 days में ही रिजल्ट दिखा देगा, बस थोड़ा सा आपको विश्वास और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास इस रेमेडी को आपको करना है। छोटी सी रेमेडी है, ठीक है, और अगर एक बार में कोई भी रेमेडीज करते हैं एक बार में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, कभी कभी हमारे कुछ कर्माज होते हैं, है ना, तो जिनके कारण एक बार में रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर आपको एक आपने एक बार प्रयोग किया 21 days में आपको रिजल्ट 9 के बराबर है तो एक बार फिर से 2 दिन रुक करके 3 दिन रुक करके इस रेमेडी को दोबारा से रिपीट कर दें, 100% रिजल्ट आएगा। और जैसे कि मैंने बताया किसी व्यक्ति का पहले से अगर वशीकरण होता है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होती है, ब्लैक मैजिक होता है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। आप लोगों ने यदि किसी व्यक्ति पर बहुत सारी विधियां ट्राई कर ली कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि उसके ऊपर पहले से वशीकरण है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या तांत्रिक प्रोटेक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूं। और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें, है ना। शेयर करने में कोई पैसा तो लगना नहीं है बल्कि आप घर बैठे किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे।
जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।